खबर से ऊपरी से है, जहां शहर में आज सुबह के समय उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर से घूमने का कहकर निकला एक 12 वर्षीय बालक रहस्यमय ढंग से गायब हो गया है। मामले की जानकारी लगते ही सक्रिय हुई कोतवाली पुलिस ने चंद मिनटों के भीतर इस बालक को खोज निकालने में बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार अनुनय जैन उम्र 12 साल निवासी महल कॉलोनी सिवपुरी को आज सुबह के समय उसके पिता विनय जैन ने फटकार लगा दी। बताया जा रहा है कि अनुनय जैन सुबह के समय घूमने नहीं जाता था, इसलिए उसके पिता विनय ने पुत्र को फटकार लगाई थी। पिता की फटकार सुनने के बाद बालक अनुनय सुबह के समय लगभग 6 बजे घर से घूमने का कहकर निकला, लेकिन जब वह 9:30 बजे तक घर वापस लौट कर नहीं आया तो बालक के परिजनों ने हर संभावित स्थान पर अनुनय की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जब अनुनय का कोई सुराग नहीं लग सका तो अनुनय के पिता विनय जैन ने कोतवाली पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत TI सुनील खेमरिया को दी। नगर निरीक्षक सुनील खेमरिया ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल गायब हुए बालक अनुनय की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा CCTV कैमरों को भी देखा जा रहा था। इसी दौरान कोतवाली पुलिस को अनुनय पोलो ग्राउंड में बैठा मिल गया। गायब हुए बालक की बरामदगी के बाद पुलिस और अनुनय के परिजनों ने राहत की सांस ली है। कोतवाली पुलिस के द्वारा अनुनय को समझाइश देते हुए उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। थाना प्रभारी सुनील खेमरिया का कहना है कि सुबह के समय विनय जैन द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनका 12 साल का बालक नहीं मिल रहा है। शिकायत सामने आने के बाद तत्काल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित अन्य स्थानों पर बालक की तलाश शुरू कर दी गई थी। CCTV कैमरों को भी देखा जा रहा था। इसी दौरान कोतवाली पुलिस टीम को अनुनय पोलो ग्राउंड में बैठा मिल गया। बरामद हुए बालक अनुनय ने पूछताछ में बताया कि पिता की फटकार के कारण वह गुस्से में आकर पोलो ग्राउंड में जाकर बैठ गया था।